हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक जाडव। आई एम प्रैक्टिसिंग कंप्यूटर सेक्रेटरी एंड अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड लॉ ग्रेजुएट। आई एम गोइंग टू टीच यू लीगल एप्टीट्यूड। इन लीगल एप्टीट्यूड दीज आर द चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड ऑन विच डेट, what are the rights, fundamental duties, directive principles and other principles of the constitution. Elements of general law, in elements of general law we have to study what are the principle of contract, like Indian Contract Act, principle of contract act, then essentials of contract, what are the different types of contract, and law of torts, which is civil wrong as opposed to the criminal wrong. Elements of company secretaries legislation, as in company secretaries act, to company secretaries act ke andar mein kya kya rules and regulations hai, kya kya code of conduct hai, to wo sab cheeze apan. And elements of company law ke basic provisions kya hai, company ka formation kaisa hota hai, company ka structure kaisa hota hai, kitne types ki companies hoti hai, to ye sab apan dekhenge elements of company law mein. Our first chapter is Constitution of India. Constitution of India basically enacted on 26th November 1950. तो Constitution किस दिन implement हुआ? 26 जनवरी 1950. अब Constitution आया कैसे? तो Constitution आने के लिए क्या किया गया कि पहले एक committee बनाई गई। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पर प्रिपेयर की एंड रिपोर्ट फाइनली लेजिस्लेटिव बॉडीज के सामने सबमिट की गई, देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल आया। तो ये सब प्रोसेस जो कंप्लीट हुई वो भी 26th नवंबर 1949, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया था और जो अप्रूव हो गया था वो कब हुआ था? 26th नवंबर 1949। बट उसको एग्जीक्यूट किस दिन से किया गया? 26 जनवरी 1950 से किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीजें बेसिकली डिफाइन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ बेसिकली डिफाइन सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप कोई भी लॉ देखिए, बेसिकली लॉ मींस व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट एवर यू डू इन अ डेली रूटीन ऑल्सो इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाइल यू आर प्लेइंग गेम्स, व्हाइल यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, व्हाइल यू आर ड्राइविंग, गोइंग होटल्स एंड ऑल, it is governed by some set of rules and regulations. So it is some set of rules and regulations jo constitution mein bhi apne ko define kiye gaye. Framing of constitution kaisa hai? To constituent assembly jo form hui thi wo 1946 mein form hui thi. Constituent assembly ke us time par jo president the, temporary president was Dr. Sachidanand Sinha. Later on Dr. Rajendra Prasad become the president of the constituent assembly and Dr. Bhim Rao Sahib Ambedkar become the chairman of the Constituent Assembly. So Constituent Assembly ke jo president the, first president jo the wo Dr. Sachidanand Sinha, then unko replace kiya Dr. Rajendra Prasad ne, and Constituent Assembly ke jo chairman the wo kaun the? Dr. Bhim Rao Sahib Ambedkar. Ab Constitution basically apan dekhenge kin kin cheezon mein deal karta hai. It deals with the government. तो अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका फंक्शंस कैसे होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है, एंड बिटवीन द पीपल, तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के पीपल्स के साथ में लोगों के रिलेशन कैसे रहेंगे। तो लॉ के बेसिकली देयर आर थ्री पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ? इंडिया में लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो दी गई है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ? बट सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं होगा, लॉ बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो लॉ बनने के बाद किस पर एग्जीक्यूट होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा तो किस मैनर में एप्लीकेबल होगा, किस मैनर में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हु एग्जीक्यूट द लॉ, एंड जुडिशियरी हु प्रोटेक्ट और इंप्लीमेंट द लॉ। तो लॉ बनाने वाले ने लॉ बना दिया, लाइक लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करेगी, एंड फाइनली जुडिशियरी उसको क्या करेगी? इंप्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट करेगी। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर से लॉ के। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम,
लॉ ऑफ द लैंड. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल लॉज. इंडिया में कोई भी लॉ है वो विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सस्टेन करेगा. तो कोई भी लॉ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल नहीं कर सकता. तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड ऑफ द सेंटर, एंड गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट वाइज जो हेड रहेंगे. तो हेड ऑफ द सेंटर इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट बहुत वाइड डेफिनेशन है जो अपन आर्टिकल 12 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ही इज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल हेड ऑफ ऑल द थ्री पिलर्स. थ्री पिलर्स कौन कौन से, जो भी अपन ने देखे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री पिलर्स. ठीक है, और तीनों पिलर्स के जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. तो जितनी भी आर्म फोर्सेज है, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, सभी फोर्सेस के कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है. एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन ही इज द चीफ एडवाइजरी ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के लिए जो एडवाइजरी कमिटी बनती है उसका जो चीफ रहेंगे वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर. ही इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर. एंड ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में जो भी मेजोरिटी पार्टी है, जिसकी रूलिंग है, उसका जो लीडर रहेगा वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस. तो लॉ बनाने की प्रोसीजर कैसी होती है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सबमिट होती है, तो पहले वो होती है लोअर हाउस में सबमिट, लोअर हाउस इसको अप्रूव करता है, देन इट गोज टू द अपर हाउस, अपर हाउस से भी अप्रूव हो गया, देन इट गो टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल. क्लियर. तो लोकसभा में जाएगी, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगी. लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 552 नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 552, एंड राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स. इनका बाइफर्केशन अपन जब देखेंगे फर्दर पार्ट में, जब अपन पढ़ेंगे इसके बाइफर्केशन दिए हुए, लाइक लोकसभा में बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 520+30+2. इसी तरीके से यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ 238+12. क्लियर. तो वो अपन जब फर्दर पार्ट में आएंगे तो अपन उसको डिटेल में देखेंगे. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इट कंटेन्स 470 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट. इट कंटेन्स 470 आर्टिकल्स विच इज ग्रुप इन टू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल. अगर आपको पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट, एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट देर वेर 395 आर्टिकल, 22 parts, 12 schedule. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब 395 आर्टिकल से, 22 पार्ट से एंड 12 शेड्यूल से. एट प्रेजेंट देर आर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल. स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन चीजों में डील करेगा, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इनके पावर्स क्या रहेंगी, तो वो सब चीजें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई है. सिटीजन के राइट्स क्या है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं. एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स फॉलोड करेगा विच इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए हुए हैं. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में डिफाइन किए हुए, तो पार्ट 4 में आपके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या रहेंगे, वो यहाँ पे डिफाइन. तो स्टेट ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बेटर गवर्नेंस के लिए यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो आपके डिफाइन किए हुए. एज ऑफ जनवरी 2020, मतलब एज ऑफ टिल नाउ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 104 टाइम.
It is amended. 104 amendments have been done since it was enacted in the 1950 mein pehli baar constitution bana tha, tab se leke ab tak, like in the 70 years constitution amended 104 times till date. Preamble, ab constitution mein kya kya parts hai, to preamble, fundamental rights and directive principle, these are the soul of constitution of India. प्रीएम्बल क्या है वो अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि प्रीएम्बल क्या रहता है. प्रीएम्बल उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट एंड अलोंग विद फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दीज आर द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन इंडिया. तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल क्या रहता है, तो प्रीएम्बल बेसिकली लॉ मेकर के इंटेंशन डिफाइन करता है. लॉ मेकर ने क्या सोच के ये लॉ बनाया, the idea behind that law, object and purpose sought to be achieved. ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको preamble से पता चलेगा. कि जब भी आप preamble देखेंगे तो इससे आपको एक basic idea आएगा कि law maker ये law बनाने के पीछे इसका intention क्या है. like constitution बनाया गया, preamble आप देखोगे तो इंडिया में most of the laws में preamble present है. तो हर law में preamble आपको क्या define करता है, preamble आपको define करता है intention of the legislature, intention of the law maker. Purpose and idea and object behind the law. तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? Preamble से पता चलेगा. So let's have a look of preamble. Preamble of the Constitution of India. Preamble basically क्या-क्या चीजें define करता है? तो मैंने आपको बताया. Preamble is an introductory statement. वो law का क्या है? Introductory statement है of a Constitution which lays down the ideals it attempt to promote. कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आइडियल्स को प्रमोट करना चाहता है, ये आपको कहां से पता चलेगा? प्रीएम्बल से पता चलेगा. प्रीएम्बल टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गिव्स इट रीजन एंड पर्पस एंड लेज डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर विच अ पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन पास्ड. तो प्रीएम्बल क्या है, आपको डिफाइन करता है रीजन एंड पर्पस उस लॉ का क्या है एंड लेज डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर विच द पर्टिकुलर लॉ हैज बीन पास्ड. किस लॉ को किस एम और किस ऑब्जेक्ट और किस पर्टिकुलर पर्पस से फॉर्म किया गया, ये आपको प्रीएम्बल से. अब ये प्रीएम्बल जो कांसेप्ट है ये अपन ने कहां से बोरो किया, इट इज बोरोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से ये प्रीएम्बल जो पार्ट है ये अपन ने कहां से बोरो किया हुआ है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक इंडिया केम इनटू effect on 26 January 1950. Constitution अपना आ गया था 26 January 1950. A draft of the Constitution was published in the February 1948. और जो draft है वो publish कब हुआ था? 1948 में. And Constitution basically आ कब गया था अपना? 1949 को. Implement कब से हुआ? 1950 से हुआ. मैंने आपको date बताया था 26 November 1949. इस दिन Constitution क्या हो गया था? Pass हो गया था. बट उसको एग्जीक्यूट कब से किया गया, इंप्लीमेंटेड कब से की गई इसकी, 26 जनवरी 1950 से. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड फॉर 26 नवंबर 1949. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. अगर अपन प्रीएम्बल अब रीड करते हैं तो प्रीएम्बल को रीड करेंगे तो किस तरीके से उसकी रीडिंग है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, मींस We the people of India, अपन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना चाहते हैं, इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. अपन इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सबको अपन वन बाय वन देखेंगे. एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, एंड अपन अपने सिटीजन को सिक्योर करना चाहते हैं किन किन चीजों से, यहाँ पे आपको नीचे डिफाइन किया हुआ है. सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, जस्टिस इन व्हाट सेंस, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. लिबर्टी सिक्योर करना चाहते हैं, लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी अपन सिक्योर करना चाहते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, तो वहां पे सबका स्टेटस भी इक्वल है एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सबको इक्वली अपन प्रमोट करेंगे. फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की डिग्निटी को सिक्योर रखना है.
एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी क्या करना है, मेंटेन करना है. इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आ गया था, 26 नवंबर 1949 में, 1949 में आ गया था. एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से हुआ. अब अपन ये वन बाय वन देखेंगे. सॉवरेन सोशलिस्ट, अपन इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो व्हाट डज इट मीन, सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स सुप्रीम. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि हु इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Neither president nor prime minister. President और prime minister, इनको भी power कहाँ से आ रही है, constitution of India से आ रही है. Constitution is supreme. The expression sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. Sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence of all around, within and without the borders of the country. Irrespective of the country, sovereignty आपकी कैसी है, इंडिपेंडेंट है और उसको आपको मेंटेन करना है. द एक्सप्रेशन रिपब्लिक मींस अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो अपन ने देखा सॉवरेन में रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया था, तो सॉवरेन में वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन. तो अपन कैसे सॉवरेन होंगे, इन विच अ सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल. तो अपने को पावर दी गई है, लाइक अपन अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करेंगे वो क्या करेंगे, कंट्री को रूल करेंगे और कंट्री को गवर्न करेंगे अपने बिहाफ में. डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का राइट है. अपन पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग राइट टू वोट. राइट टू वोट इज योर फंडामेंटल राइट. तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय द प्रोविजन कंफरिंग ऑन एन एडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट एंड बाय द प्रोविजन फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. तो लॉ मेकर इनको अपन इलेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज लॉ मेकर इलेक्ट करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपन ही हर चीज को इलेक्ट कर रहे हैं. तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ डेमोक्रेटिक पावर. तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर हर किसी को क्या है, पार्टिसिपेट करने का राइट है. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इट इज एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट. मैंने आप ये अपन ने जैसे डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ 104 टाइम अमेंड हो चुका है. तो 42nd अमेंडमेंट वाज डन इन द ईयर ऑफ 1976 वेयर वी एडेड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. इट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. The word socialist added in by the 42nd amendment in the 1976 aimed to secure of its people justice, social, economic and political. तो लोगों को की security को अपने को क्या करना है, लोगों के justice को अपने को क्या करना है, secure करना है. तो लोगों के साथ socially justice होना चाहिए, economically justice होना चाहिए, politically justice होना चाहिए. मतलब इन justice को अपने को क्या करना है, procure करना है, protect करना है. Secularism in India means equal treatment of all religion by the state. तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई खुद का रिलीजन नहीं है. इंडिया के लिए हर रिलीजन कैसे है, इक्वल है. तो इंडिया क्या करेगा, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देगा. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन असर्टेड दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन. मींस इंडिया के लिए हर रिलीजन इक्वल है और इंडिया क्या करेगा, हर रिलीजन को इक्वली क्या करेगा, प्रमोट एंड प्रोपोगेट करेगा. द एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट Our country is of the people, by the people and for the people. हर चीज अपने ही थ्रू हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गवर्न कर रहे हैं सब चीजों को. अब दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है यूनिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वॉट, एक सिंगल अथॉरिटी है और यहां से पावर फ्लो हो रही है. मतलब एक अथॉरिटी है और एक अथॉरिटी क्या कर रही है, पावर सबको दे रही है. तो बोलेंगे कि एक सिंगल अथॉरिटी है जो चीजों को गवर्न कर रही है, इसीलिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है.
फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल. हर लेवल पे अपन ने क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है. लाइक ये एक लेवल है वन, ये एक लेवल रहेगा लेवल टू, एंड ये एक लेवल रहेगा लेवल थ्री. हर लेवल पे अपन क्या कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हर लेवल पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो क्या है, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर. तो यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी है और सिंगल अथॉरिटी के थ्रू पावर अगर गवर्न हो रही है तो इट इज अ यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पावर डिफरेंट लेयर्स पर है और डिफरेंट लेयर्स अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो फेडरल. ऑल पावर्स फ्लो फ्रॉम द सिंगल टॉप अथॉरिटी. मतलब अगर सपोज इंडिया में एक ही गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी चीजों को डिसाइड करती थी, तो अपन बोल सकते थे इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर सपोज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती नहीं थी, हर स्टेट की गवर्नमेंट है, लाइक महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हर स्टेट की गवर्नमेंट है, और हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो अपन बोलते थे कि अपने यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अथॉरिटी एंड ईच लेयर हैज अ सेपरेट पावर. बट अब अपने यहाँ पर देखो कैसा है, अपने यहाँ पर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है. मींस अपने यहाँ पर अपन बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनिटरी एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब फेडरल. तो अब अपने लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है. तो इसको डिफाइन किया गया है इन द केस ऑफ केशवानंद भारती. इन द केस ऑफ केशवानंद भारती मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेजोरिटी मतलब देयर वर 13 जजेस इन द जजमेंट, 13 में से 7 आउट ऑफ 7-6 के रेशो में, 7 फेवर में एंड 6 अगेंस्ट में, तो 7 जजेस फेवर में थे. तो 7 जजेस के बेसिस पर, मतलब मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेसिस पर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 1461. अब इसको जजमेंट को रीड कैसे करते, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दीज आर द पार्टीज ऑफ द केस. AIR मींस ऑल इंडिया रिपोर्टर. ऑल इंडिया रिपोर्टर इज अ पब्लिकेशन हाउस. तो आपको ऐसे बहुत सारी जगह पर AIR, SCC, सुप्रीम कोर्ट केसेस, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस है. तो AIR इज द पब्लिकेशन हाउस. कौन से ईयर में जजमेंट आया, तो ईयर ऑफ जजमेंट आपका 1973. कौन से कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. एंड पेज नंबर कौन सा है, वो आपका है 1461. मींस अब आपको अगर ये केस ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, AIR पब्लिकेशन में जाना है, AIR पब्लिकेशन के 1973 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट. अब AIR क्या करता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अदर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट भी पब्लिश करता है, ठीक है, पब्लिकेशन हाउस है. तो उसमें अपने को कौन से जजमेंट की बुक देखनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बुक देखना है. तो आपको AIR में जाना है, 1973 के सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जजमेंट की बुक निकालना है, और उसमें पेज नंबर 1461 पर अगर जाएंगे तो आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट मिल जाएगा. अब इस केस में क्या हुआ, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वेयर ऑफ द व्यू दैट फेडरल फीचर फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज फेडरल इन नेचर. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज अ फेडरल इन नेचर. हाउएवर देयर इज सम कंट्रोवर्सीज एज टू वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल सिस्टम और इट स्टिपुलेट्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद सम बेसिक फेडरल फीचर. यहाँ पे भी एक एम्बिगिटी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है, बट अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या एब्सोल्यूट फेडरल है, तो नो, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर तो यूनिटरी के भी फीचर्स है. तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि वी कैन से दैट बेसिकली इट्स अ फेडरल विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स. तो कुछ यूनिटरी फीचर्स के साथ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल इन नेचर है. Thus, to decide whether our constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to have a look at the content of the constitution. अपना constitution federal है, unitary है, या फिर अपन quasi-federal बोलेंगे. मतलब quasi-federal means partly federal and partly unitary. तो federal है तो federal क्यों है, unitary है तो unitary क्यों है, और अगर दोनों का mixture है, federal है और unitary दोनों है, तो partly federal and partly unitary मतलब quasi-federal, तो क्यों?
उसके लिए अपन को कुछ कंटेंट देखने पड़ेंगे। तो लाइक अपन अगर देखते हैं फेडरल के फीचर क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल के फीचर में अगर अपन जाएंगे तो सबसे पहला फीचर है ड्यूअल गवर्नमेंट। इंडिया में दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब देखो दोनों दो गवर्नमेंट है तो अपन यूनिटरी बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसी है, तो ये नीचे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया हुआ है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन थ्री लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। इट कंटेन थ्री लिस्ट। लिस्ट वन इज अ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर डिफाइन किए हुए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिस्ट वन इशू की हुई है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सब्जेक्ट मैटर लिस्ट वन में आएंगे उस पर कौन लॉ बना पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना पाएगी। लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। लिस्ट टू में ऐसे सब्जेक्ट मैटर दिए हुए जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने सेंट्रल की पावर दे दी सेंट्रल के पास में, स्टेट की पावर दे दी स्टेट के पास में। ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा वो लिस्ट टू में। एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब दिस इज लिस्ट थ्री। तो लिस्ट वन जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लिस्ट टू जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एंड लिस्ट थ्री जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये देखिए। लिस्ट वन कंटेन्स 97 एंट्रीज, 97 सब्जेक्ट मैटर्स, 97 पॉइंट्स है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड है। तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आएंगे इसमें? डिफेंस रिलेटेड, सिटीजनशिप रिलेटेड, फॉरेन जुरिडिक्शन रिलेटेड, रेलवे, हाईवे एक्सेट्रा। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आते हैं। ऐसे स्टेट के गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में क्या आएंगे? तो देयर आर 66 एंट्रीज, 66 पॉइंट्स दिए हुए जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। इसमें कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर। अगर स्टेट के पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए? पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर, स्टेट टैक्सेस एक्सेट्रा। इसपे कौन लॉ बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है। इसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। इस पर कौन लॉ बनाएगा? तो इसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ। तो इसके लिए उसको बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो देयर आर 47 एंट्रीज, 47 पॉइंट्स है यहाँ पर। जैसे कि क्रिमिनल एंड लॉ एंड प्रोसीजर, तो जितने भी क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ रिलेटेड प्रोसीजर है तो उसपे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट। सिविल प्रोसीजर उसपे स्टेट। मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड इश्यूज जो है वो किसके लिस्ट में आएंगे? दोनों के कंबाइंड लिस्ट में आएंगे। थर्ड फीचर अगर अपन देखेंगे तो थर्ड फीचर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अपन ने देखा तो लॉ के तीन पिलर थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, तो जुडिशरी इसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट और प्रोटेक्ट करेगा। इन तीनों को पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इन फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ऑल ऑर्गन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव टू फंक्शन विद इन द लिमिट डिफाइंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? सबको अपनी अपनी अलग अलग पावर दे दी। देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ अवर लीगल सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब किसके सबॉर्डिनेट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। नन ऑफ देम कैन सरपास द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे अपन ने ऊपर देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दीज आर द थ्री प्लेयर। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, नाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी किससे इंडिपेंडेंट है? नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव कैन टीच जुडिशरी हाउ टू इंप्लीमेंट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द लॉ। तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। The judiciary of our system is totally independent and neither the legislature nor the executive can control the judiciary. And lastly, Indian constitution कैसा है? Written constitution है। मतलब हर चीज कैसी है? यहाँ पर written mode में define की हुई है। Unlike English constitution, यहाँ पर
मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो रिटन मैनर में नहीं है. रिटन मैनर में है तो इसीलिए अपन कंक्लूसिवली प्रूव भी कर सकते हैं ये लॉ में डिफाइंड है, इसीलिए इस तरीके से आपको फॉलो करना है. लॉ में डिफाइंड है कि हर पावर कैसी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, ये सब चीजें क्या है डिफाइंड है. हाउएवर इवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अप्रोप्रिएट फेडरल फीचर इन टाइम्स ऑफ नीड इट बिकम्स यूनिटरी एंड यूनियन हैज मोर पावर. तो यूनियन के पास क्या क्या पावर है अपन यूनियन के फीचर्स देखेंगे. यूनियन में फीचर्स पे जाने के पहले अगर अपन आर्टिकल 1 रीड करते हैं, आर्टिकल 1 सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. मतलब बहुत सारे स्टेट्स है, इन सबका यूनियन कौन है, इंडिया, मतलब सिंगल नेम है यूनिटरी. किसी भी नए स्टेट को फॉर्म करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास में है, वो भी अगेन सिंगल अथॉरिटी है. किसी भी स्टेट को अपना टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कम ज्यादा करना है, अपना एरिया बढ़ाना है, बाउंड्री बढ़ानी है, कम ज्यादा करना है, अपना नाम चेंज करना है, तो इस सब के लिए भी किसकी परमिशन लगेगी, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी. तो ये सब क्या है, यूनिटरी के फीचर्स है. इसके अलावा यूनिटरी के और क्या फीचर्स है, तो जैसे कि अपन ने देखा लिस्ट वन, लिस्ट वन में देयर आर 97 एंट्रीज, 97 सब्जेक्ट मैटर्स थे. आउट ऑफ 97, 96 आर क्लियरली स्पेसिफिकली नेम्ड. 97 में से 96 क्या है, क्लियरली डिफाइंड है. 97th वाला जो है वो है लेफ्ट ब्लैंक, वो खाली छोड़ा गया है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है कि कोई सब्जेक्ट मैटर जो 96 सब्जेक्ट मैटर्स में कवर नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 97th वाले पॉइंट में इंसर्ट करके इस पे भी लॉ बना सकती है. इसको बोला गया रेसिडरी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, तो इसकी स्पेशल पावर दे दी गई, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल वो हो गई, इसलिए यूनिटरी का फीचर है. तो रेसिडरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में अपन ने देखा था कि स्टेट लिस्ट में लॉ कौन बना रहा था, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही थी. अंडर आर्टिकल 246 देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ में लॉ बनाएगी भले ही वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स होंगे. तो 5 सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं, नेशनल इंटरेस्ट, अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके अगर पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं COVID-19 इट्स अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है. डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट्स के अगर आपस में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, पास्ट में अगर आप देखोगे तो पंजाब एंड हरियाणा के बीच में कुछ वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो अमिकेबली अगर दोनों मिलकर रिजोल्व नहीं कर पाते हैं तो वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. टू गिव इफेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव लाना है, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो अगर वो स्टेट की गवर्नमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक री इलेक्शन नहीं होते तो वहां पर किसकी रूलिंग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग रहेगी. तो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है, तो आप अगर देखोगे तो 2014 के इलेक्शन में दिल्ली में आपकी सरकार बनी, आपकी सरकार लेकिन फुल मेजोरिटी में नहीं थी इसलिए जोड़ तोड़ की सरकार बनी, बट वो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और जिसका सपोर्ट था उसने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया. सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया तो क्या हुआ, वहां पे किसी की मेजोरिटी नहीं थी और वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहां पे किसकी गवर्नमेंट आ गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगी उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी. कब तक, जब तक री इलेक्शन नहीं हुए तब तक. री इलेक्शन हुए, री इलेक्शन में आप विथ फुल मेजोरिटी आई और आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई. क्लियर? तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब किसी भी राज्य में अगर कोई सरकार अगर ब्रेक डाउन फेल हो जाती है तो वहां पर कौन रूलिंग करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग आ जाएगी. एंड इन इंडिया वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, तो ये भी एक यूनिटरी का फीचर है, अनलाइक यूएसए वेयर देयर इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप जिसके बेसिस पर आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी मूव और कहीं पर भी सेटल हो सकते हो. हेंस इसीलिए अपन कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, but it is a combination of both. The Indian constitution is mainly federal with unique unitary feature to safeguard the unity and integrity of the country. That's why we can say that our constitution is a quasi-federal constitution. And what is quasi-federal? Partly federal and partly unitary.